आज साइबर पिटा है पापा से? हाँ, सुबह सुबह। तब दीदी स्पेशली आई है शंकू की रोके के लिए शॉपिंग करने। जहाँ से ये लोग करेंगे वहीं से मैं भी करूँगी अपनी शॉपिंग। सुंदर है ये कलर दीदी। हाँ, इन दोनों को लाए हैं हम इसलिए कि हमारे थैले उठाएंगे शॉपिंग बैग्स। ये देखो। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो आज है श्री कृष्ण छठी जो जन्माष्टमी के 6 दिन बाद मनाई जाती है, जिसमें हमें श्री कृष्ण को कढ़ी और चावल का भोग लगाना पड़ता है। तो जिसके लिए मैं अभी पकौड़े बना रही हूँ और चावल इधर बन चुके हैं और कढ़ी इधर पक रही है। कढ़ी पक रही है, इधर चावल बन गए, इधर पकौड़े बन रहे हैं और ये बिना प्याज लहसुन के बिना प्याज लहसुन के है। और जो वो बरी बनती है ना पकौड़ों में वो बने हैं गोल गोल। इसमें कोई प्याज और लहसुन नहीं है। बाकी जब ये भोग लगेगा तब हम आपको दिखाते हैं। हाँ। यहाँ पे आ चुकी है हमारी भोग की थाली। कढ़ी देखो कितनी ज्यादा टेस्टी लग रही है। सिंपल कढ़ी भी इतनी ज्यादा टेस्टी हो सकती है और बनाई है इसने काफी ज्यादा टेस्टी। भोग लगाने हम चलते हैं मंदिर में भोग लगाने। अपने घर के मंदिर में जा रहे और कहीं नहीं, तो चलो आप भी हमारे साथ आ जाओ। आ जाओ गाइस, आ जाओ, चलो। हम आ गए मंदिर में और दीदी लगा रही है भोग। भोग नहीं, पहले आरती कर रही है। पहले आरती उसके बाद भोग। और मैं यहाँ पे बैठ के इसकी वीडियो बना रही हूँ क्योंकि मेरी तबीयत खराब है ना फ्रेंड्स, मैं आराम कर सकती हूँ। तो इधर पूजा हो गई है एकदम कंप्लीट और इधर लड्डू गोपाल को भोग भी लग गया है, ये देखो। और लड्डू गोपाल कितने प्यारे लग रहे हैं। तो चलते हैं अब बस। आज साइबर पिटा है पापा से? हाँ, सुबह सुबह। तभी ये पापा से बात नहीं कर रहा है, निकल गया बाहर। पापा तभी कह रहे थे कि इसको डांट दो ना तो ये ऐसा रूठता है कि तुम्हारी तरफ देखेगा भी नहीं। बच्चे तभी तो भाग गया उधर। और यहाँ क्या हो रहा है? मैं तो सबको बाहर ढूंढ रही थी और सब लोग यहाँ बैठे हैं। रूम बंद था ना तो मैं मम्मी के रूम में आ गई। अच्छा, बंद कर। आज तो कोई काम भी नहीं है, काम भी जल्दी हो गया। खाना भी बना लिया इसने, चाय पीते हैं, खाना भी बना लिया आज तो। मुझे देख लो, किसी ने मुझे सुबह से देखा नहीं है ना, अब देख लो। बीमार चेहरा, अभी अभी सुंदर चेहरा बन के आया है, प्यारा सा बन के आया है। कैमरे के पीछे अजीब सी बनी हुई थी ना, इसलिए मैंने सोचा पहले अच्छी सी बन जाओ फिर अच्छी अच्छी शक्ल दिखाओ। बुरी शक्ल किसको देखना पसंद है, फिर आपका भी दिन बुरा जाएगा, अच्छा नहीं लगता ना। देखो ये मुझे कैसे सुन रहे हैं, मेरी बातों पे हंस रहे हैं। ये भी कितनी क्योंकि तूने बना ली ना अच्छी, मेरी बनी नहीं थी अच्छी, अभी सुंदर सी हो गई है। हाँ, मम्मी भी बीमार है, मम्मी भी अपनी सुंदर शक्ल बना रही है, बिंदी निकाल रही है लगाने के लिए। मेरे को भी तभी तो इतना बोल पा रही हूँ, वरना सुबह से तो ऐसे बोला ही नहीं जा रहा है। एक ये ना कि बीमार हो उसमें फिर नहा लो तो फिर थोड़ा फ्रेश फील हल्का हल्का लगता है। दोनों को साथ में तबीयत खराब हो गई तो अभी मुझे दवाई भी खानी है, मैं थोड़ी देर बाद दवाई भी खाऊंगी। पता नहीं कैसे, चलो हो जाएगा ठीक। हाँ, नजर इज रियल, नजर लगती है, सच में लगती है नजर। दवाई लाने गए पापा? हाँ बस, पापा दवाई लेके आएंगे तो मैं दवाई खाऊंगी, उसके बाद मैं सो जाऊंगी। देखो कौन आया है, कौन आया है, देख कौन आया है, सरप्राइज देने आया है कोई हमें। हेलो, कैसे हो? आज अचानक से सरप्राइज दिया, कैसे कैसे भाई? आज छुट्टी थी तो आ गई है ना। ये पता क्यों आई, मैं बताती हूँ। ये इसलिए आई है हमारे यहाँ पे, जो सदर बाजार की जो हमने वीडियोस डाले हैं वो देख देख के आई। लेकिन इसने कहा था नहीं आऊंगी मैं, मेरे पास टाइम नहीं है। उससे बात करना, अभी अचानक से सरप्राइज दे दिया हूँ मैं। मिठाई भी लेके आई है, मिठाई है ना, कुछ और है। ओहो, ढोकला है, ढोकला तेरा फेवरेट, दिखाओ। थैंक यू बोलो। थैंक यू, थैंक यू। हमारे मम्मी मिलना नहीं है, मम्मी दीदी साइबर को तो खिला। अच्छा, साइबर खेलते रहता है तार साइबर। मेरे को लगा तेरे को इतने दिनों में भूल गया। एक आ गई हीरोइन जी। वो तो हमारे घर की हीरोइन है। आई, हेलो दीदी, कैसे हो? हेलो, बढ़िया साइबर। बाय साइबर। अरे पता है, जब कैमरा लेके जाती हूँ ना तब मिलने आ रहा है। उसको बता दो व्लॉगिंग शुरू कर। हमारा साइबर भी तो व्लॉगर है ना साइबर? अब नहीं है, टाइट हो गया, कल तो लूज हो जाएगा, कुछ नहीं। सारी बात कर रहा है शंकू की शादी। शंकू की शादी के लिए तो बस पूछो ही मत। दीदी स्पेशली आई है शंकू के रोके के लिए शॉपिंग करने। जहाँ से ये लोग करेंगे वहीं से मैं भी करूंगी अपनी शॉपिंग।
और बोलो भाई, और बोलो कुछ कहना चाहोगे शंकु आप? नहीं, आपकी तैयारी कैसी चल रही है आपकी रोके की शंकु? आपने क्या ड्रेस पसंद कर लिया अपने रोके के लिए? सरप्राइज है, बहुत जल्दी दिखेगा। कितनी जल्दी? भाभी आप बताओगे क्या कि मेरी ड्रेस? नहीं, वो तू बताएगी ना, तूने ली होगी। आपने पसंद किया ना? नहीं, मैंने तो नहीं की, मैंने अपनी कर ली। तो चलो अपनी बता दो। अभी क्यों बताऊं, उसी दिन में दिखाऊंगी। वो भी सरप्राइज है, हमारा भी सरप्राइज है। जैसे तेरा सरप्राइज है, इसकी क्या सरप्राइज है? रोके की ड्रेस कह रहे, बता दे अभी। मैं भी नहीं बताऊंगी, तो मेरा सरप्राइज है। मेरी एक लास्ट बहन की शादी है। लास्ट बहन की तेरी भी होगी? तो तू अपनी बहन थोड़ी है, खुद बहन हूँ ना तुम्हारी। तुम लोग बोलना छोटी बहन की शादी है। अच्छा ठीक है, ये तो लास्ट है ना अभी, उसके बाद पता नहीं कितने साल बाद है ना भाभी। मैं ना इतनी देर से अंदर से देख रही हूँ, ये कबूतर आपस में लड़े जा रहे खाना खाने के लिए। यहाँ पे भी इनके लिए बाजरा रखा था, देखो भाग गए ये तुरंत। ये देखो, ये बाजरा खत्म हो चुका है, थोड़ा सा बचा अभी मैं डाल दूंगी, बाकी आ रहे हैं जा रहे हैं। देखो एक और बैठा है यहाँ पे, और इतना अच्छा लगता है ना अंदर से इनको देख के, आपस में लड़ते रहते हैं खाने के लिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। व्लॉग तो सुबह से चालू है, बट मिल मैं आपसे अभी रही हूँ। तो अभी हम लोग जा रहे हैं सदर बाजार गुड़गांव। आप लोग भी सोच रहे होंगे कितनी बार सदर बाजार घुमाओगे, पर डेली जाते हैं। हाँ, हमारी वीडियो से लोगों को फायदा हो रहा है, इसलिए लोग हमारे घर आए हैं कि हम मार्केट जाएं। हमारी दीदी आई है आज, उनको भी सदर बाजार मार्केट देखनी है, तो आज हम उनके साथ जा रहे हैं। तो आपको दिखाते हैं, मार्केट की वीडियो ज्यादा नहीं बनाएंगे, बहुत थोड़ी बनाएंगे, वरना आप लोग भी बोर हो जाओगे, बट हमारी मस्ती जरूर दिखाएंगे। हाँ, और दीदी के साथ हम बहुत दिन बाद ऐसे शॉपिंग पे जा रहे हैं। शादी के टाइम में तो जाते थे। हाँ, दीदी भी हमारी वीडियो शादी के आई है। हाँ, दीदी भी हमारा व्लॉग देख के आई है कि सदर बाजार मार्केट अच्छी है, तो आज उनको भी घुमा के लाते हैं, चलते हैं फिर। तो अभी मैं रेडी हो चुकी हूँ और हम निकल रहे हैं। उससे पहले मैं आपको अपने कपड़े दिखा देती हूँ, मैं कैसी लग रही हूँ। ये वही कुर्ता है जो मैं लास्ट टाइम सदर बाजार से लेकर आई थी, तो आज मैंने वही पहन लिया। ऑल ब्लैक बन के जा रही हूँ आज मैं, चप्पल कपड़े सब ब्लैक, बैग ब्लैक। मम्मी क्या कह रही थी? हाँ, मम्मी कह रही है कि आज सब लोग ब्लैक ब्लैक पहन के जा रहे हो, गुंडागर्दी करने जा रहे हो। तो ब्लैक ब्लू नेवी ब्लू ऐसा ऐसे ही पहन के जा रहे हैं। बाकियों का भी दिखाती हूँ आपको। अच्छा लग रहा है बैग? दीपू ने बैग हटा दिया, कहती अच्छा नहीं लग रहा मुझ पे, बट बहुत अच्छा लग रहा है। तुम लोग भी बहुत प्यारे लग रहे हो। बस पानी ले लेना और चलो। दीदी ने कैब बुक कर दी है, दीदी का बैग है, लेके घूम रही है। चलो चलो गाइस। और मैं इसलिए जा रही हूँ क्योंकि मैं पहले से ठीक हो गई हूँ। पर दीपू ने एक हरकत गलत की है, दीपू ने डॉक्टर से दवाई ना लेके केमिस्ट से दवाई मंगाई है। क्योंकि आप लायक ही नहीं हो, आपको बोला था डॉक्टर से दवाई लो, तो आपने ली है केमिस्ट से दवाई, गलत बात है ना, तो इसीलिए। बट मैं तो ठीक हो गई ना, दवाई खाने से मतलब है ना, ठीक हो गई। देखते हैं शाम तक वापस आके क्या सीन रहेगा। हम लोग पहुंच चुके हैं सदर बाजार मार्केट। आज फिर से हमने एक डिफरेंट गेट से एंटर किया है, तो यहाँ अगर कुछ न्यू दिखेगा तो मैं जरूर दिखाऊंगी। और यहाँ पे नियर बाय अगर आपको कुछ देखना है तो वो ये है, स्कूल है ये, SD आदर्श पब्लिक स्कूल। आज की भीड़ तो भाई कुछ अलग ही है, मैं पीछे इतनी बार आई हूँ बट ऐसी भीड़ नहीं दिखी जितनी आज है। हम यहाँ पे कर रहे हैं चूड़ियों की शॉपिंग साइडो, और यहाँ पे दीदी को चूड़ी पसंद आ रही है, देख रहे हैं। अभी हम साइज में कंफ्यूज है कौन सा साइज ले। भाभी को भी कन्विंस किया जा रहा है कि भाभी आप ले लो, पर भाभी नहीं ले रही हैं। भाभी आप ले लो, मैं कह रही हूँ साइज बहुत अच्छा है, आप ले लो। हमेशा गोल्ड के थोड़ी पहनोगे, कभी आप ये भी पहन सकते हो, साइज बड़ा देख लो। काफी ऑप्शन है यहाँ पे चूड़ियों के। देखो ये राधे राधे का टिकट लगवा के घूम रही है। मैंने भी लगवाया, मेरा भी दिखा दे। अच्छा लग रहा है। यहाँ पे ये टॉप मिल रहा है व्हाइट वाला, कितना सुंदर है ये देखो, और इसमें सारे साइजेस के। भाभी 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 क्या प्राइस है उसका? 300। सुंदर लग रही है, व्हाइट साइजेस भी है उसमें, तो हम निकलवा रहे हैं अभी। ओके, और हमने यहाँ पे टिकट लगा दिया। कितनी बार बताएगी? देखो गाइस कितनी अच्छी लग रही है भाभी ने जो ये कुर्ती ले रखी है, भाभी भी बहुत अच्छी लगेगी। अभी दीदी देख भी रही है और कुर्तियाँ। हाँ ये ज्यादा अच्छा है, ये ज्यादा अच्छा लग रहा है ना। हाँ ये कलर बहुत प्यारा लग रहा है, 300 रुपए का प्योर कॉटन। देखो ननद भाभी का प्यार एक दूसरे को कैसे क्या कर रहे हैं, कपड़े ट्राई करवा रहे हैं। आ जाएगा आराम से आएगा।
क्या प्राइस है भाभी इनका? 35 रुपीज़ पर मीटर। ये सेम हाँ, और ये क्रेप पे है। हाँ, अच्छी है। शर्ट और पैंट दोनों बन जाएंगे इसमें। यहाँ पे बहुत गर्मी है और हम लोग पूरे पसीनों पसीन हो रहे हैं, बट फिर भी मार्केट तो घूमना है ना, तो मार्केट घूम रहे हैं। दीदी की शॉपिंग खत्म ही नहीं है। बट सही है ना, एक बार ही मार्केट आओ तो अच्छे से देख लेना चाहिए, बार बार नहीं आना पड़ेगा। यही है, सुंदर है ये कलर। अब हम यहाँ पे पूरी मार्केट में घूमते घूमते हमें साड़ी की शॉप दिख गई, तो हम साड़ी देखने के लिए आए हैं, शायद हमें यहाँ से कुछ पसंद आ जाए तो आपको दिखाएंगे। तो फाइनली भाभी ने और दीदी ने साड़ी ले ली है। हम साड़ी लेने आए नहीं थे, हमने पर एक साड़ी देख के हमें पसंद आ गई तो हम ऐसे चलते चलते हमें एक पसंद आई, ऊपर आके हमने दो ले ली। दुकान का नाम भी दिखा देंगे। कार्ड है भैया? कार्ड दिखा दो, कार्ड दिखा दो, ऐसे दिखा देती हूँ कार्ड। ये भैया कार्ड दिखा रहे हैं, भैया का कार्ड दिखा दो भाई, फिर सब पूछते हैं कहाँ से लिए। ये रहा, और बहुत अच्छी साड़ी है यहाँ पे, एक बार आप आके देख सकते हो। इसकी खुशी देखो, अपनी साड़ी लेके कुछ ज्यादा खुश है ये। भाभी हमारी साड़ी नहीं लेती, शादी के बाद से पहली साड़ी ली आपने? हाँ, मम्मी खुश होगी क्योंकि मेरे को ब्लैक एक भी नहीं। ये है देखो ब्लैक, हम घर जाके दिखाएंगे। लेकिन लास्ट टाइम आए थे तो मम्मी ने कहा था कि ले लो एक ब्लैक कलर की, पर भाभी ने नहीं ली, पर अब भाभी लेके जाए। और यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी साड़ियाँ हैं, कार्ड हमने दिखा दिए, तो आपको भी लेनी हो तो आ जाना। अभी हम तीखे तीखे गोलगप्पे खा के आए, और वीडियो इसलिए नहीं बनाई क्योंकि वहाँ पे बहुत भीड़ थी, इसलिए वीडियो बनाना भूल गए। और बस अब हम घर जा रहे हैं, हमारी शॉपिंग हो गई, और अभी हम मंदिर के सामने खड़े हैं। ये देखो, और ये देखो गाइस, अभी हम ऑटो ढूंढ रहे थे और ऑटो वाला शायद बाहर आ भी गया है, और इधर इनकी शॉपिंग। ऑटो नहीं, हम कैब से जाएंगे, हम चार लोग हैं, भूल जाती है तो बार बार। कैब, तीन लोग जा पाते हैं ना ऑटो में। बाहर आके इधर खड़ी है, इधर इधर इनकी शॉपिंग ही नहीं खत्म हो रही, दोनों नंद खा रहे थे। तो हम दोनों बेचारे बोझा उठा रहे हैं, बोझा उठा रहे हैं। इन दोनों को लाए ही हम इसलिए कि हमारे थैले उठाएंगे शॉपिंग बैग्स। ये देखो इनकी शॉपिंग, देखो ये देखो, ये देखो चल रहा है। साइब्रो, साइब्रो की आंखें देखो कैसी चमक रही है। चला गया, खोल के देखो। मम्मी फोकस करती हूँ अभी, मम्मी का रिएक्शन लेना है। बहुत अच्छा है भाई, रेट हम किसी चीज का नहीं बताएंगे, ऑफलाइन बताएंगे हम। साड़ी बहुत अच्छा है, है ना, सुंदर। गेस करो किसकी है। क्योंकि मम्मी को पता भाभी तो लेगी नहीं, है ना मम्मी? हाँ, कोई बात, भाभी कभी साड़ी नहीं लेती। मैं ले रही, आपको पता है भाभी के पास अभी है, भाभी एक दो साल बाद लेगी। हाँ, अभी वो कपड़े खत्म हो गए, खड़े होकर दिखाओ, अच्छे से नहीं आ रहा है। दीदी इधर आ जाती, दीपू इधर। हाँ, ये प्लाजो है, ये प्लाजो है यार, ये मैं ब्लू कलर का लाई थी। हाँ, ये वैसे में ही है। अच्छा, ये बहुत कंफर्टेबल होता है, तो मैंने ब्लू कलर ले लूं। कॉटन पे है ना ये? हाँ, तो अच्छा है। नेक्स्ट नेक्स्ट, हम वाइट तो ढूंढ रहे थे, उसके साथ भी जाएगा नहीं, बट ये बहुत अच्छा है, आप इसको जीन्स वगैरह पे पहनना। ये देखो, ये अपनी तारीफ की जा रही है, ये मैंने देखते ही बोला मुझे देखना है। बहुत अच्छा है, ऐसा लग रहा है हाथ के बिना ही है, हाथ वाला यही है ना। ये देखो, ऐसा लग रहा है हैंडवर्क है। नेक्स्ट, अच्छा हटाना था, मम्मी भूल गई थी हटाना था। नेक्स्ट, ये भी दीदी का है, सब दीदी का ही है, हमको अपने लिए कुछ नहीं दिलाया नहीं दीदी ने। शर्म तो आती नहीं होगी बोलते हुए ये चीज। हर बार जाते इसमें मुझे पिंक कैसा लगा मम्मी? पिंक बहुत सारे हो गए, बट ये कलर ज्यादा अच्छा है ना। दीदी की, दीदी खुद ही बता रहे थे कि पिंक बहुत सारे हैं, दीदी को पसंद आई है। ये मेरे को जाते ही पसंद आई थी, मैंने कहा आपसे देखी चले इधर आए थे। नहीं, ऑफिस के हिसाब से नहीं लिया मैंने, वैसे ही ले लिया, अच्छा लगा मुझे। साइज भी अच्छा है और कपड़ा भी बहुत प्यारा है, देखो बढ़िया कपड़ा है। अब जो दीपू का वो कुर्ता वापस किया, दीपू के नाम का कुछ नहीं मिला, बट उन्होंने वापस कर लिया, हमने ये लिया है। पहले दीदी पहन के देखेगी, दीदी को आ गया तो ठीक है, नहीं तो फिर मेरे को आ जाएगा। चलो, इसी साइज का मिला ही नहीं, हमने तो ढूंढा था।
इसके साइज का मिला ऐसा लग रहा है ना, एक गिफ्ट दिखाओ भाई। बट साड़ी पे बहुत अच्छा लगेगा ये, उसमें कितना सुंदर है। पहन के देख लो, ये भाभी लाई तेरे लिए प्याज, छोटा छोटा नहीं है, साइज ज्यादा है इसकी, क्योंकि मेरे को नहीं आया, मैंने बहुत सोच के लिया, और थोड़ा टाइट होगा तो ठीक है, क्योंकि डेली यूज नहीं कर सकती है। भाभी ने लिया है तेरे लिए, साड़ी वाड़ी पे पहनोगी ना, साबुन से हिसाब से काटो, काटो साड़ी इसमें वजन तो ज्यादा ही है। हां आ जाएगा आराम से, क्रीम वगैरह पहनने के लिए मम्मी रेड कलर की सिंपल चूड़ियां लेगी ना, तो नहीं अगर आप कुछ नहीं भी पहनते हैवी साड़ी हैवी सूट के साथ एक ही दो दो ये हाथ में पहनोगे ना बहुत सुंदर सब कुछ लेंगे, कहाँ से जाएगी, हाथ दिखाओ अपना हाथ दिखाओ, जाओगी ना लेके जाना, अच्छा लग रहा है, ये तो लेके जाऊंगी मेरे को भी बहुत पसंद है, मम्मी के लिए देख रही थी क्योंकि मेरे उससे तो आना ही नहीं था। अब मेन चीज मम्मी को दिखाते हैं, ये दीदी ने अपने लिए दोनों दो साड़ियाँ ली है, कैसी लग रही है, बहुत अच्छा लग रहा है, वो मार्केट कितनी बड़ी है सोचो, जिम्मी चू वाली तो कहती ना दीदी को, जिम्मी चू ले ले, देखो गाइस आप भी देख लो पास से कितनी अच्छा, सुंदर साड़ी अच्छा है। है। ये साड़ी भी एक दीदी ने अपने लिए ली है, अब ऐसी मेरे को बोल रहे थे ना, ये तो वही वाले है, वो नहीं है, वो तो दूसरे है, कैसी लग रही है ना, बढ़िया कपड़ा वाला भी बढ़िया बढ़िया है, बढ़िया अच्छी लग रही है, बहुत मेरे को भी लेनी चाहिए थी ना एक, और क्या, और ये तो क्यों ले, रुको रुको ये टाइल लगा देना, भाभी को लेने का भाभी पता नहीं क्यों लेती नहीं अपने लिए, ये रहा ब्लाउज, हमने भी बोला भाभी ब्लाउज का वर्क देखो कितना सुंदर है, भी नहीं लिया भाभी, बहुत अच्छा है ये, अब ये बताओ कितने की होगी, आइडिया तो लगाओ कम से कम 1000 रुपये, मम्मी तो बहुत कम दाम लगा रही है, मम्मी इतनी सस्ती है तो, हमने सोचा था मम्मी 4-5 हजार तो बोलेगी, ये बड़ा प्यारा है ना, हाँ नेक निकल जाएगा ये बढ़िया, बहुत प्यारा लगेगा ये, चलो मैं बता देती हूँ, ये वाली साड़ी मैंने ली है और ये वाली रेड वाली साड़ी दीदी ने ली है, और ये वैसे मेरा कोई प्लान नहीं था लेने का, बट दीदी अपनी साड़ी लेने के लिए गए, दीदी का भी कोई प्लान नहीं था, बाहर देखी अच्छी लगी, हम दुकान में गए तो हमें दुकान में अच्छी लगी तो हमने दोनों ले ली, और ये मेरी साड़ी है जो कि लास्ट टाइम हम जब गए थे ना, मम्मी मुझे तब भी कह रही थी कि ब्लैक साड़ी ले लो तुम्हारे पास नहीं है, बट मैंने बोली थी अभी मुझे ये चीज ज्यादा अच्छी लगी, देखो बहुत प्यारा है ये वाला, सिंपल एकदम, गला कितना सुंदर सुंदर है, बट दीदी मेरे को मुश्किल लग रहा है कि ये मेरा बनेगा, रीजन मैं डीप पहनती हूँ, ये तो छोटू सा है, कटेगा टेलर बना देगा, या तो मैं इसको फ्रंट पे रखूं, मैं बैक अजीब लगेगी फिर, है ना, इसको या तो पूरा ऐसे डीप कराऊंगी क्योंकि इतना छोटा गला अच्छा नहीं लगता, बाय चल आजा दीपू, बाय बाय शंकु, बाय चलो अभी जस्ट हमारी बड़ी दीदी गई है अपने घर के लिए, निकली है, और हो सकता है आज मैं भी कहीं निकलने वाली हूँ, आपको वो कल के व्लॉग में शायद पता लग जाएगा, तो इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, आज मिनट एक मिनट मैं बता दूँ कहीं ट्रिप पे नहीं निकलने वाली, हाँ ट्रिप पे नहीं जा रही, जगह पे ही जा रही है, ट्रिप पे नहीं, ट्रिप पे नहीं जा रही हूँ, मुझे मैं बता देती हूँ, मुझे एक रोका अटेंड करना है, मैं उसके लिए जा रही हूँ, किसका रोका है वो आप अगले व्लॉग में देखना, और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, आज का व्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर जरूर बताना, और कुछ कहना चाहोगे, लाइक शेयर सब्सक्राइब, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।